तो नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये तालाब है और तालाब की जो ऊपर पुलिया होती है उसी पुलिया पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों, अभी सूरज दादा निकले नहीं हैं लेकिन निकलने की तैयारी में हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी के रनिंग से संबंधित कुछ टिप्स ऐसी मैं आपको बताऊँगा, जिन टिप्सों को फॉलो करोगे तो आप यकीनन ज़रूर ज़रूर आर्मी रैली को फाइट कर पाओगे और जो आपका सपना है रनिंग करना इंडियन आर्मी की वो पूरा हो पाएगा। तो मित्रों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके तीन चार चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों उन तीन चार चीज़ों की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। अगर आपके पैर मजबूत नहीं हैं तो दोस्तों आप आर्मी रैली को पास नहीं कर सकते। आप दोस्तों मेरे पैर देखो, इसी प्रकार के आपके पैर होने चाहिए और आपके पैरों में मजबूती आनी चाहिए। दोस्तों आपके पैर अगर कुछ दूरी में जाने के बाद ही दर्द करने लगते हैं तो दोस्तों आपकी कितनी भी प्रैक्टिस हो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। दोस्तों पैरों को मजबूत करने के लिए आप डेली एक्सरसाइज करें। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई रोड हो तो दोस्तों सप्ताह में कम से कम एक या दो बार आप रोड पे रनिंग करें। लेकिन दोस्तों रोड पे रनिंग करने के लिए आपको कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। सावधानी ये है दोस्तों, रोड पे अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आप रनिंग करोगे तो दोस्तों आपके पैर नीचे ज़मीन में ठुकेंगे और ठुकने के कारण आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। तो दोस्तों उससे बचने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, उन एक्सरसाइज को करोगे तो आपके पैर ठुकने से बचेंगे और साथ ही साथ आपके पैरों में जो खिंचाव संबंधित प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। तो दोस्तों पहला पॉइंट है पैर मजबूत होने चाहिए और पैर मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है रोड पर आप रनिंग कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पेट में मजबूती आनी चाहिए और पेट में मजबूती लाने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। दोस्तों आपको लगभग 10 से 15 सीटअप्स, नए खिलाड़ी हो तो 10 से 15 सीटअप्स रोज़ मारनी है। अगर पुराने हो चुके हो तो 30 40 50 कितनी भी लगा सकते हो। दोस्तों इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप डेली डिप्स मारें। डिप्स मारने से आपके कंधे मजबूत होंगे और साथ ही साथ आपके पेट में भी जान आएगी। और दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारी एक्सरसाइज है जिनको करके आप अपने पेट को मजबूत कर सकते हो। दोस्तों अब करते हैं तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर पे ये है बात कि दोस्तों आपको अपना हौसला मजबूत रखना होगा, अपने आप में धैर्य रखना होगा, अपना कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं कर दूँगा तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखा तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें कि मैं इस स्टेमिना को बना लूँगा, मैं रनिंग प्रैक्टिस करता रहूँगा, मैं कुछ पा लूँगा। अगर ये हौसला आप में है, धैर्य है तो यकीनन आप अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करोगे। दोस्तों अगर ये तीन चीज़ें आप में हैं तो दुनिया में आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को फिट रखें, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें ताकि आपको सफलता मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।